दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आयुष अकेडमी पे। और DWT दयानंद वुमन ट्रेनिंग कॉलेज जो देहरादून है, उसकी जो है वेटिंग लिस्ट भी आ चुकी है। जैसा कि उन्होंने क्लियरली मेंशंस किया हुआ था फर्स्ट मेरिट में ही, 24 तारीख को शाम 4 बजे के बाद वो सेकंड मेरिट यानी कि जो वेटिंग लिस्ट निकाल देंगे। तो वेटिंग लिस्ट आ चुकी है दोस्तों, क्योंकि ये लोग जो है इन्होंने भी जो है कॉलेज की जो है वेबसाइट पे मेरिट जो है अपलोड नहीं की है वेटिंग वाली। तो मैं आपको बता देता हूँ जो सेकंड मेरिट आई है उसमें कितनी कट ऑफ गई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, क्योंकि पिक्स जो है थोड़ा आपको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि मुझे भी किसी ने भेजा है, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको रिपीट कर दूंगा। तो यहाँ पे इन्होंने जैसा कि नोटिस सेम है जो कल वाला था, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस है वो सेम है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना अनिवार्य होगा, ये वगैरह वगैरह। और जो शुल्क है आपको, मैंने जैसे जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी, अगर आपने वो देखी होगी, तो जो फीस सबमिट करनी है वो जो एसले हॉल के पास में जो सेंट्रल बैंक है अपोजिट साइड में पेट्रोल पंप के सामने, ठीक है, जो एसले हॉल चौक है उसके पास में आपके जो है अपोजिट साइड में जो है, अगर आप जो है इधर से जाएंगे क्लॉक टावर की साइड से आएंगे, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ही सेंट्रल बैंक इंडिया है, ऊपर जो है सीढ़ी चढ़ के। तो आप वही ब्रांच इस पे बता रखा है इन्होंने राजपुर रोड में, उसमें जो है देहरादून में, उसमें आपको जो है पेमेंट करनी है 3,646 रुपये, ठीक है। अगर आपका मेरिट में नाम आ गया तो आपको पेमेंट करनी है, और उसके बाद आपको क्या करनी है, बैंक से जो रसीद है उसको आपको जो है, उसमें जो रसीद होगी पृष्ठ भाग पीछे वाला जो भाग होगा रसीद के, उस पर अपना नाम और जो पिता का नाम वगैरह ये पूरा जो है स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य है, ठीक है। अब इसमें देखिए, प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले जो वही है सेम जो जो मैंने आपको कल बताया था, हाई स्कूल का जो है आपका लगेगा मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपका जो है जो करेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपका लगेगा जहाँ से भी जो है आप जो है पास आउट हुए हैं। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, राजपत्रित अधिकारी है यहाँ पे जो है CMO CMS ने लिखा हुआ है, तो आप डॉक्टर से भी यहाँ पे अगर फिटनेस सर्टिफिकेट बनाएंगे तो वो भी चलेगा। इसके अलावा जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, ठीक है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे जो भी आपका वो है, ठीक है। तो अब क्या करना है इसमें देखिए, अब मैं मेरिट बता देता हूँ। OBC में जो यहाँ पे गई है, ठीक है, OBC में जो मेरिट में, पहले मैं जनरल का दिखा देता हूँ। जनरल आर्ट्स में जो मेरिट कट ऑफ गई है वो गई है आपकी यहाँ पे 134 गई है, 134, ठीक है, 134 यहाँ पे गई है। देखिए जनरल आर्ट्स में 4 स्टूडेंट्स इन्होंने लिए हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 134 है, 135 है, 138 और 139, तो 134 यहाँ पे रुकी है जनरल साइंस, सॉरी आर्ट्स में जनरल कैटेगरी की, और साइंस ग्रुप में 148, एक सीट बची हुई थी और 147 पे ये जो है आके रुक गई है, ठीक है। उसके बाद देखें SC साइंस का, देखें तो 127 पे आके रुकी है, ठीक है। ST आर्ट्स का देखें तो 123 पे आके रुकी है, ठीक है, सॉरी सॉरी, ST जो साइंस का, SC साइंस का 127 और ST जो साइंस है 130, ठीक है। आर्ट्स का यहाँ पे साइंस में, इसका आर्ट्स का नहीं है यहाँ पे, SC ST में, SC का जो साइंस पे रुका हुआ 127 पे और ST का 123 पे, ठीक है, SC का 127 एंड ST का 123 पे कट ऑफ आके रुकी है, ठीक है। तो आर्ट्स की, आई थिंक आर्ट्स की जो सीट्स है वो फिल जो है फुल हो चुकी है, फिल हो चुकी है पूरी तरह से। और OBC का देखें, OBC का यहाँ पे देख लेते हैं, OBC का साइंस पे 139 पे जाके जो है, आई थिंक 139 ही है, ठीक है, 139 पे जाके कट ऑफ रुकी है, ठीक है। और SC का मैंने आपको बता दिया और ST का भी मैंने आपको बता दिया। तो ये DWT की जो है, इसका मुझे थोड़ा डाउट है OBC जो है साइंस का यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये आपका जो है 139 है या कुछ और है, ये क्लियर दिख नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट जो OBC की, जो अगर हमने OBC जो साइंस का देखें,
जो फर्स्ट मेरिट आई थी ओबीसी साइंस की, मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पे आके रुकी थी, ठीक है। तो ओबीसी साइंस की जो फर्स्ट जो मेरिट आई थी उसमें जो कट ऑफ रुकी थी, ये देखिए ओबीसी साइंस का मैं आपको दिखाता हूँ, ओबीसी 139 पे जाके ओबीसी साइंस की जो है कट ऑफ रुकी थी, ठीक है। 139 पे जाके ओबीसी की साइंस की जो है कट ऑफ क्या हुई थी, रुकी थी। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ओबीसी जो साइंस है, ओबीसी जो साइंस है उसकी जो कट ऑफ है, ठीक है, आई थिंक 139 पे ही अभी ये रुकी है, ठीक है, एक सीट यहाँ पे अभी 139 पे जाके रुकी है। तो गाइस ये DWT दयानंद सोमन ट्रेनिंग कॉलेज की जो है मेरिट लिस्ट है। इंस्ट्रक्शंस जो है सेम रहने वाले हैं, इंस्ट्रक्शन जैसा कि इंस्ट्रक्शंस पहले कल वाले जो थे आपका वहीं रहने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस में अगर आपको बताऊं तो ये है इनका इंस्ट्रक्शंस जो है, ये फर्स्ट मेरिट के लिए था, फर्स्ट 22 से 24 के बीच, और सेकंड मेरिट को, सेकंड मेरिट का यहाँ पे दिया हुआ था वेटिंग लिस्ट कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे 24 दिसंबर शाम 4 बजे के, और इस लिस्ट में जो है जिनका नाम आएगा उनको 25 दिसंबर को प्रातः 10 से 4, ठीक है दोस्तों। तो जो जिनका इस मेरिट में नाम आया है उनको कल जो है 10 से 4 बजे के बीच में एडमिशंस लेना है। अगर आप एडमिशंस नहीं लेंगे तो अगली मेरिट लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अतिरिक्त अंकों के सत्यापन हेतु सक्षम अधिकारी या प्रति हस्ताक्षरित द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मूल रूप से, ठीक है, अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा अंक जो है आपके हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है सक्षम अधिकारी या प्रमाण पत्र रूप से लाना होगा, जो वेटेज सर्टिफिकेट आपका जो भी है, ठीक है। बाकी ये आपका चल ही रहा है, ठीक है। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ जो अदर यूनिवर्सिटी का है, जैसा कि मैंने बताया HNB में भी चल रहा है, DEV में भी चल रहा है, जहाँ भी आप एडमिशन्स लेंगे किसी भी कॉलेज में, तो अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से और आप HNB में ले रहे हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना होता है, ठीक है। तो 3,646 रुपये ये है आपका, जो आपको जो है ऑफलाइन जो है वहाँ पे जमा करना है, ठीक है। तो मेरिट जो मेरिट लिस्ट है उसमें जो एडमिशन्स होने हैं अब कल होंगे 10 से 4 बजे के बीच में, तो जिनका नाम है वो चले जाइएगा, ठीक है, जिनका नाम है वो मेरिट लिस्ट में वो चले जाइएगा, क्योंकि जो है अगर आप कल नहीं जाएंगे तो इसके बाद नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी तो आपका जो है एडमिशन्स है वो कैंसिल हो जाएगा। इसमें जैसे साक्षी तड़ियाल है जिनके की 139 नंबर हैं, ठीक है, और आस्था है, आस्था जो है 138 मार्क्स हैं, मोनिका भसीन्स है 135, 135 हैं, विदेशा है 134, ये आपका आर्ट्स का है, जनरल का, जनरल साइंस में देखिए कविता 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 डांगी करके है 148 जो है यहाँ पे रुके हैं। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि तो कि किसी स्टूडेंट्स को जो है अगर नाम आ गया उसे ये न रहे कि मेरा नाम नहीं आया और उसका एडमिशन जो है वहाँ पर छूट जाए। SC साइंस में देखिए, SC साइंस में थोड़ा इसमें नाम देखने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मनीषा चौहान लगता है मुझे, देख लीजिएगा गाइस जिसका भी है 127 पे आके रुकी है, ठीक है। और ये कुछ थपियाल करके है तो नाम थोड़ा यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं क्लियर ही फोटो, क्योंकि फिर भी जिनके मार्क्स हैं वो आप देख लीजिएगा, मैंने मार्क्स बता दिए हैं आपको। इसमें देखिए 123 पे आके जो है यहाँ पे जो है ST साइंस की रुकी है और SC साइंस की 127 पे आके रुकी है, ठीक है। तो जिनका नाम है वो चले जाइएगा, एक बार अगर आपका नाम आ गया तो आप जो है अपना एडमिशन्स वहाँ पे ले लीजिएगा, वरना जो है नेक्स्ट जो है इसकी मेरिट आ जाएगी जिससे कि आपका एडमिशन्स कैंसिल हो जाएगा।